दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10th और 12th क्लास के बचे हुए एग्जाम की डेट शीट आज जारी नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब यह डेट शीट सोमवार यानी 18 मई तक जारी होगी। उन्होंने कहा CBSE बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रख रहा है। इस वजह से आज 5 बजे होने वाली कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट की घोषणा अब सोमवार तक होगी। गौरतलब है कि CBSE 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी है। आज यह पता चलना था कि कौन सा पेपर किस दिन होगा। अब स्टूडेंट्स को टाइम टेबल के लिए 18 मई तक का इंतजार करना होगा। इससे पहले डेट शीट आज जारी होने की सूचना केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ही शनिवार सुबह ट्वीट कर दी थी। उन्होंने कहा था कोरोना संकट के चलते CBSE की बची हुई परीक्षाओं की अनिश्चितता बनी हुई है। आज यह अनिश्चितता को दूर करते हुए और विद्यार्थियों की उत्सुकता को देखते हुए हम कक्षा 10 और 12 परीक्षा की डेट शीट शाम 5 बजे जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि अब 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो 18 मई यानी सोमवार को रिलीज की जाएगी। दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी मैं कोशिश करूंगा कि वो अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।